आपको बी शेप में आपको पकड़ना है। हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आपका अपना राजवीर और आज हम करने वाले हैं फिटनेस ब्लॉग डे 8। इसमें करने वाले हैं बैक की एक्सरसाइज, बैक पार्ट 2। मैं ऑलरेडी बैक पार्ट 1 बना चुका हूं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अगेन 3 बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज जिसमें हम अपने बैक के साइज को बी शेप में ला सकते हैं। आपको बैक पे फोकस नहीं करना है, पोजीशन पे फोकस करना है। आपकी बैक की एक्सरसाइज करें तो आपकी बैक की मसल पे इंपैक्ट आना चाहिए। तो आपको बताने वाला हूँ बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन के साथ में कि आपको कैसे रॉड को पकड़ना है या कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो उसने नहीं किया अभी तक, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो करते हैं शुरू आज का बैक पार्ट 2 फिटनेस ब्लॉग डे 8। चलो तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं मशीन पे। हमने रॉड लेना है, हमें जो हमने नॉर्मली लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, वेट बढ़ा देंगे लाइक दिस, ये कर रहे हो, जबकि ये नहीं कर रहे हैं। इसे करने से आपको सिर्फ इंजरी होगी, तो आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो लोअर आपकी ब्लॉक हो जाएगी। आपको बी शेप में आपको पकड़ना है, क्योंकि हमने बी शेप को करके एक्सरसाइज कर दिए लाइक दिस। स्प्रेड रहेंगे अपर, हम बैक की एक्सरसाइज करें तो बैक की मसल ही स्टार्ट इंपैक्ट होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोअर बैक लॉक हो जाएगा स्लो स्लो, 1 2 3। आप इंपैक्ट देख पा रहे हैं, सिर्फ बैक पे ही आ रहा होगा। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आज से 12 रेपिटेशन करने और 3 सेट में करना है। मैं आज से आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सरसाइज करनी, कौन कौन सी परफॉर्म करनी है, प्रॉपर करेंगे नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर नहीं करूँगा। जैसे कल जो मेरा लास्ट ब्लॉक था उसमें मैंने किया था कि स्टार्टिंग से सारा कर रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको बताऊंगा कि 3 पोजीशन आपने कैसे रखनी है अपने बैक के लिए। तो ये थी हमारी पहली, अब हम करेंगे दूसरी। चलो दूसरी शुरू करते हैं। तो हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है, सेम मशीन पर रहने वाली है। हमें ये यूज़ करना है, वेट को पुल करना है, वेट उतना ही लेना है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, उससे ज़्यादा आपको वेट पर फोकस नहीं करना है। स्ट्रेट रहेंगे, सांस लेंगे, सांस अंदर लेंगे, बाहर लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको 10 से 12 करना है जैसे पहले किया था, और आपको उसकी 3 सेट करने हैं। अब करेंगे हम आपकी आज की तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज, फिर करेंगे आज का वर्कआउट खत्म। कल हम दोबारा से मिलेंगे नए नए एक्सरसाइज के साथ। तो चलो बताते हैं तीसरी कौन सी करनी है। तो आज की हमारी तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने करना है। वर्कआउट तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं एडिट करने में बता रहा हूँ। हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज रहने वाली है, उनकी कुछ वेट हमें सेम लेना है जैसे हमने मिट के लिए लिया था। प्रॉपर नीचे वाला लॉक हो जाएगा, 1 स्लो स्लो। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल मेरे लोअर बैक में इंपैक्ट आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी हमारी आज की 3 बैक पार्ट 2 की एक्सरसाइज, जो आप करके अपने बैक की साइज को भी शेप में ला सकते हैं। डाइट बहुत मैटर करती है, वेट पे फोकस नहीं करना है, पोजीशन पे फोकस करना है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल पे फोकस करना है। तो दोबारा कल दोबारा फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।